I don't know. Why, Brigitte? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਹੈ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ 20-30 ਲੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ I don't think we could have done anything else. We wanted to give the maximum time to those inside. She had asked for assurance. The holy shrine will not be touched. Not a brick will be destroyed. He behaved in a very domineering manner. Everyone around him was very frightened of him. मैं सिख हूँ, जरूर हूँ, लेकिन जब हम लोग फौज में भर्ती होते हैं तो हम कसम खाते हैं कि हम देश की सेवा करेंगे। हम रिलीजन, कास्ट, क्रीड किसी चीज़ का परवाह नहीं करते। किसी के लिए आतंकवादी, किसी का संत, किसी के लिए खौफ का खात्मा, किसी के लिए दमन। एक उलझी हुई तारीख जिसे सुलझाने की हर कोशिश एक नया गांठ दे जाती है। क्या इतिहास की इस काली तारीख में सात समंदर पार के भी किरदार थे? क्या कूटनीति और व्यवसायिक फायदे की कसौटी पर मिटे मासूम? क्या भारतीय सेना महज प्यादा थी? क्या इंदिरा को भारतीय फौज पर विश्वास नहीं था? क्या ऑपरेशन ब्लू स्टार बस विध्वंस की साजिश था? I don't think we could have done anything else. We wanted to give the maximum time to those inside, to whom we were pointing out that there was that we had clear information about the accumulation of arms, about giving shelter to criminals and murderers and so on. And we were hoping to that they themselves would act and not allow these people to use such a sacred and holy place as a shelter. हर के देश के साथ लड़ाई हो तो ठीक है, लेकिन अपने लोगों को मारना हमको अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्या करें अगर उन्होंने कानून को अपने हाथ में ले लिया। जब टैंकों ने श्री हरमंदिर साहिब का सीना चीरा था, जब बारूद ने अकाल तख्त को छलनी किया था, उस रोज आतंक को कुचलने को कदम जरूर बढ़े थे, लेकिन कुछ रिश्ते भी तार तार हुए थे। रिश्ता आवाम और हुक्मरान का, रिश्ता भाई भाई का। ये 4 जून की जड़ी हैगी है, 3 जून की रात, 4 जून सवेरे कोई 4 बजे के करीब होया जो पहला गोला अकाल तख्त पे वजा। एंड इट वाज लाइक थंडर, लाइटनिंग थंडर। इस तरह लगता सी जिस तरह बहुत बिजली चमकी है, क्योंकि असं पहले जानते नहीं सके रॉकेट लॉन्चर का फायर है जरा इस तरह होंगे। ऐसे लाशें पड़ी थी जैसे कोई पिक्चर में तो देखा होगा, जंग के मैदान में तो देखा जा सकता है, लेकिन वैसे अपनी आंखों में मैंने पहली बार देखा कि अपने ही देश में अपनी मिलिट्री, अपनी फोर्सेज ऐसे भी कर सकती है। जो श्री अकाल तख्त साहब टैटर ही किया, कौम के हिरदे विचों कभी नहीं निकल सकता कि जिस ने ये हुक्म करके एडे वड्डे साडे स्थान का अपमान किया, टैटेरी किया, साडी भावनावां नूं कुचल किया, साडे धर्म स्थान नूं खत्म किया, उस नूं कदी कौम बख्श नहीं सकदी भावें जो मर्जी। आक्रोश की उस उबलती शाम में बगावत से लड़ने का गर्मजोश निश्चय जरूर था, लेकिन स्वर्ण मंदिर को भेदती लोहे की गोलियों के बीच सिखों के इतिहास की सबसे काली तारीख लिखी जा रही थी। बंदूकों को थामे हाथ तो फौजियों के थे, लेकिन कंधा सियासत का था। पंजाब बंटवारे के भावनात्मक और आर्थिक चोट के बावजूद अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था। उनकी मेहनत की उपज पूरे देश का पेट पाल रही थी, लेकिन यहां सिखों के दिलों में
अजीब सा संदेह पल रहा था। शायद ये सरहद पार की साजिश थी कि एक बेबाक कौम इस कुंठा से बोझिल थी कि हिंदुओं को मिला हिंदुस्तान, मुसलमानों को मिला पाकिस्तान और बीच में 2% सिख आबादी जिनकी किस्मत में सिर्फ अनदेखी। उधर देश वंशवाद की राजनीति की पहली कड़ी का साक्षी बन रहा था। इंदिरा गांधी 1966 में प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा की चुनौतियों में देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा शामिल थे तो राजनीतिक कांटे भी कम नहीं थे। प्रधानमंत्री बनते ही इंदिरा का पहला फैसला पंजाब को लेकर आया। भारत पाक में पहले ही बढ़ चुके राज्य को 3 टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। कुछ हिस्से हिमाचल प्रदेश के साथ गए, हरियाणा बना और पंजाब। 1970 के मध्य की बात है जब अकाली दल ने सिखों के अधिकारों का झंडा बुलंद करना शुरू किया। केंद्र से मांग की कि पंजाब को अधिक स्वायत्तता दी जाए, लेकिन इंदिरा कई मोर्चों पर उलझी थी। न तो वो इस मांग को मानना चाहती थी, न ही इस पर ध्यान देने का उनके पास वक्त था। खैर, बढ़ती ताकत ने उन्हें अचानक ऐसी पटखनी दी कि वो सत्ता से ही बेदखल हो गई। 1977 में एक ओर इंदिरा सत्ता से बेदखल हुई, दूसरी ओर पंजाब में एक नया नाम उभर रहा था। इसी साल राज्य के सबसे प्रभावशाली दमदमी टकसाल ने अपना नया जत्थेदार चुना, जरनैल सिंह भिंडरावाले। भिंडरावाले इन हिज वे वाज एन आइडियलिस्ट बट यू कुड आल्सो सी स्पेशली इन भिंडरावाले हिज फेस एंड इन हिज बिहेवियर दैट देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ क्रुएल्टी अबाउट हिम। ही हैड अ वेरी हार्ड क्रुएल फेस एंड ही बिहेव्ड इन अ वेरी डोमिनियरिंग मैनर। एवरीवन अराउंड हिम वाज भिंडरावाले के जिंदा शब्दों में अजीब सा जादू था, जोशीले भाषण में गजब का खिंचाव था, लेकिन उनकी सोच बेहद कट्टर थी। सिख संस्कारों के प्रसार और अनुकरण तक तो ठीक था, भिंडरावाले गैर सिख के बारे में अच्छी राय नहीं रखते थे। निरंकारियों से उनकी कुछ ऐसी ही रंजिश थी। पंजाब की सड़कें आए दिन अब गुटों की हिंसा का गवाह बनने लगी। अप्रैल 1978 में ऐसी ही एक भिड़ंत में निरंकारियों के हाथों भिंडरावाले के 13 समर्थक मारे गए। निरंकारियों को हिरासत में तो लिया गया, लेकिन महीने भर में आजाद कर दिया गया। भिंडरावाले को इसमें पुलिस और प्रशासन की चाल दिखी। उन्होंने अपने समर्थकों से कह दिया कि जो भी निरंकारी को मौत के घाट उतारेगा उसे वो सोने में तौल देंगे। Would hold court and he would say also and so he needs to be fixed. Knew how to use the right combination of fear and charm in the same, you know, in a very good measure because he wasn't just somebody who said do this or I'll shoot you. He would always say this in a clever manner. भिंडरावाले से मुक्त भीड़ अब मानो उनकी फौज में तब्दील हो गई थी, जो उनके एक इशारे पर जान भी देने को तैयार थी। भिंडरावाले को उनके अनुयायी संत कहते थे, लेकिन संत अब धर्मगुरु के अधिकार क्षेत्र से अधिक शक्ति चाहते थे, और ज्यादा भक्ति और ज्यादा शक्ति। संत जरनैल सिंह एक तो हमेशा सच बोलते थे, दूसरा वो कदे डरते नहीं सी, तीसरा वो किसी ना वैर नहीं सी करते, चौथी गल जी उन्होंने ये कि वो किसी भी कहें मनुख के दरवाजे पर नहीं जाना जितों मुड़ के यह कहना पवे चंगा भाई तू हूँ चले जा, आपकी थान पर खड़ के रहना, आपकी थान पर खड़ के गल करनी। उसके समर्थक अब खुलेआम मारकाट मचाते थे। 24 अप्रैल 1980 को निरंकारी के तीसरे गुरु बाबा गुरबचन सिंह की हत्या कर दी गई। कुछ ही दिनों बाद भिंडरावाले के खिलाफ लिखने वाले एक न्यूज़पेपर मालिक की भी हत्या हो गई। इस मामले में भिंडरावाले को गिरफ्तार किया गया। आतंकवाद की घटना उनकाला जी को हत्या करके ही शुरू हुई। उन्होंने 2-3 साल पहले ही इस बात की चर्चा शुरू कर दी थी कि पंजाब में आतंकवाद का दौर आने वाला है। जेल के बाहर उसके समर्थक और पुलिस के बीच खूनी भिड़ंत हुई जिसमें 18 समर्थक मारे गए। लेकिन अब भिंडरावाले का समर्थन कट्टर होता जा रहा था।
एक महीने के बाद सबूतों के अभाव में जब भिंडरावाले को जेल से आजाद किया गया, तब उसे आभास हुआ कि लोग उसे अपने नायक के तौर पर देखने लगे हैं। पंजाब के ग्रामीण इलाकों में भिंडरावाले का समर्थन तेजी से बढ़ रहा था। उधर 1980 में केंद्र में इंदिरा सत्ता में लौट चुकी थी और पंजाब में भी कांग्रेस की ही सरकार थी। भिंडरावाले से उनका टकराव नहीं था, उनकी समस्या सियासी थी। शिरोमणि अकाली दल पंजाब में पैठ तो काफी पहले से बना चुका था, लेकिन अब कांग्रेस के मजबूत विकल्प के तौर पर उभर रहा था। कुछ दबी आवाजें ऐसे में भिंडरावाले को कांग्रेस के छिपे समर्थन की भी बात कहती थी, हालांकि ऐसी बातें राजनीतिक कयासों में ही उलझी रही। बहरहाल भिंडरावाले के डमडमी टकसाल पर अब राज्य में हिंसा फैलाने के कई आरोप लगने लगे थे। देश का सबसे समृद्ध राज्य सांप्रदायिक हिंसा की आग में दहक रहा था। 1983 की शुरुआत में कई हत्याएं, मारकाट, लूटपाट की घटनाएं सामने आने लगी। उंगलियां सीधे भिंडरावाले की ओर उठने लगी, लेकिन शुरुआत में सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। 5 अक्टूबर को पंजाब में हथियारबंद लोगों ने एक बस को अगवा कर लिया। उसमें सवार हिंदुओं को बर्बर मौत दी गई। इंदिरा आग बबूला हो उठी। पंजाब में इमरजेंसी लगा दी गई। पुलिस को आदेश दिया गया कि उपद्रवियों को देखते ही गोली मार दी जाए। भिंडरावाले ने आधिकारिक तौर पर हर मामले से इनकार कर दिया, लेकिन भिंडरावाले के टेप रिकॉर्डेड भाषण अब गांव-गांव में बांटे जाने लगे। अलगाव को भड़काते ये भाषण एक ओर थे, दूसरी ओर थी एक पड़ोसी देश की छटपटाहट, जो अब खालिस्तान की आवाज बुलंद करते आतंकियों को मदद की शक्ल में नजर आने लगी, जहर फैलाने के लिए भी और असलहा पहुंचाने के लिए भी। अब तक भिंडरावाले के साथ बड़ी तादाद में लोग जुड़ चुके थे। भारतीय सेना के पूर्व मेजर जनरल शाहबेग सिंह 1971 युद्ध के नायक थे। उस युद्ध में उन्होंने मुक्ति वाहिनी के दस्तों को युद्ध कला में प्रशिक्षित किया था। 1976 में रिटायरमेंट से चंद महीनों पहले करप्शन के कुछ मामूली आरोपों पर उन्हें कोर्ट मार्शल कर दिया गया। खुद के साथ हुई कार्रवाई को वो नाइंसाफी मानते थे। सरकारी तानाशाही से आहत शाहबेग सिंह ने भिंडरावाले का हाथ थाम लिया और अपनी युद्ध कला का हर दांव उनकी छोटी सी फौज को सिखाने लगे। इस बीच अफवाहें आम थी कि सरकार भिंडरावाले को गिरफ्तार कर सकती है। भिंडरावाले अपने समर्थकों समेत अब गुरुद्वारे के सबसे पवित्र हिस्से में रहने लगा। अकाल तख्त। अगले कुछ महीनों में मंदिर परिसर की ऐसी किलेबंदी शुरू हो गई मानो युद्ध की तैयारी चल रही हो। इस बीच दिल्ली में खलबली मची हुई थी। 2 साल से पंजाब के आतंक को काबू में करने का कोई रास्ता काम नहीं कर रहा था। सरकार ने स्वर्ण मंदिर के घेरेबंदी की योजना बनाई, लेकिन सेना का मानना था कि अगर सीधा टकराव हुआ तो भिंडरावाले के हजारों हथियारबंद समर्थक अमृतसर की सड़कों पर कोहराम मचा सकते हैं। My immediate reaction was stop that. So I rang up Venkatraman. He was taken aback. He said, "You're not going to carry out Prime Minister's orders." I said, "No, sir. I will carry out the Prime Minister's orders. But my submission is that I am an army commander. I should be allowed to present my views before the Prime Minister before she gives a decision." इस बीच आतंक पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार की सलाह पर ऑपरेशन सनडाउन पर भी चर्चा हुई, लेकिन चूंकि आम लोगों के भी हताहत होने की आशंका थी, इंदिरा ने इनकार कर दिया था।
मई 1984 में इंदिरा को यकीन होने लगा था कि आतंक को खत्म करने के लिए अब सीधा टकराव ही रास्ता है। बातचीत की कोशिशों के साथ साथ जून के महीने से अमृतसर में भारतीय सेना जुटनी शुरू हो गई। मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार को इस ऑपरेशन के लिए कमांडर नियुक्त किया गया। पहली तारीख सुबह को मेरठ से चंडीगढ़ पहुंचा और मेरे को कहा गया कि ये ऑपरेशन जल्दी से जल्दी होनी है, आपको अमृतसर जाना है। एक तरफ देश भर से सेना शहर में इकट्ठा हो रही है, दूसरी तरफ हजारों की तादाद में श्रद्धालु सिखों के पहले शहीद गुरु अर्जन देव के स्मरण में मनाए जाने वाले त्योहार के लिए स्वर्ण मंदिर में इकट्ठा हो रहे थे। 2 जून तक यहां 1000 से भी ज्यादा सैनिक एकत्रित हो चुके थे। स्वर्ण मंदिर की घेराबंदी पुख्ता कर दी गई थी, किसी को बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। श्रद्धा की खुशबू में बारूद की गंध घुलने लगी थी। Police gave us no information at all. They told us there are about 500 to 600 people inside, and there may be about 500 weapons of World War II vintage, some 12 bore guns, 303 rifles. Police had no information at all, let me tell you. गुरबानी की मधुर आवाज को एक आतंकी सन्नाटा खामोश करने लगा था। आस्था की जगह अविश्वास था। मंदिर रणभूमि में परिवर्तित हो रहा था।